हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं जा रहा हूँ 3B का नेक्स्ट आंसर की ओर, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऊपर के दो आंसर मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो हार्ड वाले हैं, इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो उसका वीडियो मैं कल बनाऊंगा। ये जो सिंपल वाले हैं उसका मैं आज बना के सेंड कर रहा हूँ कि तुमको एक साथ इतना समझेगा नहीं, इसलिए तो कल मैं खाली वो दो के ऊपर ही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स विच आर डिस्कस्ड बिलो, जैसे अपने को यहाँ बोला है। अब पहला है नेचर ऑफ कॉमोडिटी। बाय नेचर वी कैन क्लासीफाई कॉमोडिटीज एज नेसेसरीज। अब नेचर से अपन पता कर सकते हैं कि वो कॉमोडिटी अपने लिए क्या है, नेसेसिटी है, कम्फर्ट है, लग्जरी है, कैसा है अपने लिए, वो क्या यूज़ कर रहा है, अपने क्या वैल्यू है उसको। डिमांड फॉर नेसेसरीज लाइक फूड, ग्रेन्स, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक्स एक्सेट्रा इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये मार्क कर लेना कि इनकी वैल्यू क्या होगी, रिलेटिवली इन इलास्टिक, क्योंकि लिए तुमको मैथ द फॉलोइंग में आएगा। एंड फॉर कम्फर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स लाइक कार्स, परफ्यूम्स, फर्नीचर, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। तो जो नेसेसिटीज होती है उसके लिए डिमांड क्या होगी, रिलेटिवली इनइलास्टिक, और जो लग्जरी है और कंफर्ट्स है उनकी डिमांड क्या होती है, रिलेटिवली इलास्टिक होती है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। डिमांड फॉर और ये रिलेटिवली इलास्टिक और इनइलास्टिक ये हम कल पता करेंगे क्योंकि ये आंसर में ही आएगा। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद विल बी मोर इलास्टिक इफ इट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो उसका कमोडिटी का डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होगा, जैसे कि लेमन जूस, सुगर केन जूस एक्सेट्रा। बट कॉमोडिटीज़ लाइक हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उसका डिमांड हमेशा क्या होगा, इन इलास्टिक। जैसे कि सॉल्ट है, उसका डिमांड, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो वो क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। उसके बाद नंबर ऑफ यूजेस। सिंगल यूज गुड्स हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड, मल्टी यूज गुड्स हैव मोर इलास्टिक डिमांड। अब जिसका एक ही यूज़ है, सिंगल यूज़ है, उसका कंपैरेटिवली लेस होगा डिमांड, और जिसका मल्टी यूज़ है, मल्टीपर्पस है, उसका डिमांड क्या होगा, मोर इलास्टिक होगा। फॉर एग्जांपल कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। हैबिट्स मेक डिमांड फॉर सर्टन गुड्स रिलेटिवली इनइलास्टिक। फॉर एग्जांपल एडिक्टेड गुड्स, ड्रग्स एक्सेट्रा, ये सब का भी डिमांड क्या होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी पे जाता हूँ। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स क्या होगा, इनइलास्टिक, और ड्यूरेबल गुड्स मतलब लॉन्ग टर्म वाले, उनका क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक। उसके बाद फॉर एग्जांपल दिया मिल्क, वेजिटेबल्स, ये सब क्या आता है, पेरिशेबल इन नेचर आता है, जल्दी बिगड़ जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी विच इज़ यूज इन कंजंक्शन विद अदर कॉमोडिटी, मतलब दूसरे कॉमोडिटी के साथ मिक्सचर में यूज होगा, टू सेटिस्फाई अ सिंगल वॉन्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। फॉर एग्जाम्पल अ फॉल इन प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट में लीड टू राइज इन द डिमांड फॉर सिम कार्ड। अगर मोबाइल हैंडसेट का प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो जो डिमांड है सिम कार्ड का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब एक कॉमोडिटी की वजह से दूसरा कॉमोडिटी इफेक्ट हो रहा है क्योंकि वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, क्योंकि बिना मोबाइल सिम कार्ड के चलेगा ही नहीं। इनकम ऑफ कंज्यूमर। डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक, ज़्यादातर इनइलास्टिक होता है। इफ द कंज्यूमर हैज़ हाई इनकम, अगर उसकी इनकम ज़्यादा है, द डिमांड पैटर्न ऑफ अ वेरी रिच एंड एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड, ये रेयरली अफेक्ट होता है बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द प्राइस, एक प्राइस के छोटे बहुत चेंजेस की वजह से, क्योंकि उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है अर्जेंसी ऑफ नीड्स। गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, उनकी डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन है, लग्जरी गुड्स है, विच आर लेस अर्जेंट हैव रिलेटिवली इलास्टिक। तो जो नेसेसिटीज़ है, मैंने बोला मेडिसिन वगैरह, उनकी डिमांड क्या होगी, रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी, और जो लग्जरीज है उनकी डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक होगी, जैसे अपन ने पहले भी देखा था। टाइम पीरियड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, इट वेराइज विद द लेंथ ऑफ टाइम पीरियड, उससे अलग होता है, वेरी करता है। जनरली स्पीकिंग लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उतना ही वो ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। दिस इज बिकॉज अ कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट्स इन द लॉन्ग रन, कंजम्पशन हैबिट्स को बदल सकता है इन फेवर ऑफ चीपर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ कॉमोडिटी, अगर अवेलेबल है तो उसके सामने। तो इससे यह आंसर हमारा फिनिश होता है। यू शुड नो में तुम देख लेना, इससे ये जो मैं बताया कौन सी चीज़ की क्या डिमांड है, वही चार्ट में उन्होंने बताया हुआ है, तो ये तुम्हारा रिविजन के लिए काम आ जाएगा। थैंक यू।